हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल में। सो आज का टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग। हम ऑब्स एंड गायनी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, जो पिछली बार पिछले क्वेश्चंस ईयर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ नर्सिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं। गायनी इट्सेल्फ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से तो मतलब 20-30% पेपर जरूर बन के आता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को पूरा देखना है, और अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। सिस्टम क्लियर करने के बाद विल मूव टू द डिजीजेस पैटर्न एंड चेंजेस। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल ऑर्गन ऑफ फीमेल जेनिटेलिया। फीमेल जेनिटेलिया का इंटरनल ऑर्गन किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए मॉन्स प्यूबिस, बी इन वजाइना, सी क्लाइटोरल्स एंड डी वेस्टिब्यूल। सो राइट ऑप्शन इज बी, वजाइना। वजाइना इज द इंटरनल ऑर्गन ऑफ फीमेल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इंटरनल जेनिटेलिया होता है। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, वेनेरिस बोलते हैं इसको, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरियस, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रा एंड स्किनी ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड इट्स अ न्यू थिंग टू लर्न। स्किनी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड एंड वेस्टिब्यूलर बल्ब। इंटरनल ऑर्गन्स में वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। एसेसरी ऑर्गन्स इज द ब्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइब्रोमस्कुलर मैम्ब्रेन सीथ कॉम्युनिकेटिंग द यूटराइन कैविटी विद द एक्सटीरियर एट द वल्वा इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सर्विक्स, बी यूरेथ्रा, सी वजाइना एंड डी क्लाइटोरिस। सो राइट ऑप्शन हियर आल्सो सी, वजाइना। दिस इज द फाइब्रोमस्कुलर मैम्ब्रेन सीथ कॉम्युनिकेटिंग द यूटराइन कैविटी विद द एक्सटीरियर, एक्सटर्नल में, एंड द वल्वा इज कॉल्ड वेजाइना। नेक्स्ट, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज, वेजाइनल कैनाल में कौन सा एनवायरनमेंट होता है? ऑप्शन एन ए एन एसिड एनवायरनमेंट, बी एन एल्कलिन एनवायरनमेंट, सी न्यूट्रल एनवायरनमेंट एंड डी एन एनवायरनमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। सो राइट ऑप्शन इज ए, एसिड एनवायरनमेंट। वेजाइनल कैनाल हैज एसिड एनवायरनमेंट, एसिडिक पीएच होता है वहाँ वेजाइनल का, 4 to 4.5, एंड इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होते हैं जिनको डोडलाइन बैसिलिया बैसलाई भी बोलते हैं, जो इफेक्टिव होते हैं, मतलब जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, और वो वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ वेजाइना इज एसिडिक। हम थोड़ा थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे साथ साथ। pH of vagina is acidic 4.4 to 4.5 during reproductive life due to presence of lactobacillus acidophilus, dodderline bacilli जिसको बोलते हैं। dodderline bacilli is a gram positive bacteria, rod shaped bacteria होता है, which convert glycogen into the lactic acid। हाँ, next question is, in a healthy woman the only organism found in upper two-third of vagina, option A monialysis, B dodderline bacilli, C gonorrhea and D trichomoniasis. So right option is B, dodderline bacilli. Dodderline bacilli is the organism which found in upper two-third of vagina. Next, फेब्रोइड कॉज ऑल एक्सेप्ट। फेब्रोइड ऑप्शन में जो है उसमें सिम्टम्स करती हैं एक्सेप्ट, फेब्रोइड की वजह से जो प्रॉब्लम नहीं होता वो बताना आपको। ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, बी इनफर्टिलिटी, सी एब्डोमिनल मास एंड डी एमेनोरिया। सो राइट ऑप्शन इज डी, एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंसेस। तो फाइब्रॉइड में इसका उल्टा होता है, फाइब्रॉइड की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, बार बार मेंसेस आते हैं। सो
ये ऑप्शन इज द एक्सेप्ट ऑप्शन एंड फाइब्रॉइड की वजह से मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी इनफर्टिलिटी एंड एब्डोमिनल मास होता है. नेक्स्ट यूट्राइन फाइब्रॉइड इज एसोसिएटेड विद. यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर है तो उसके साथ और क्या प्रॉब्लम होता है? ऑप्शन ए एंडोमेट्रियोसिस, सॉरी बी ओवेरियन कैंसर, सी पीआईडी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज एंड डी एमिनोरिया. सो राइट ऑप्शन इज ए एंडोमेट्रियोसिस. अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है किसी को तो साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है. नेक्स्ट हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी कैन डायग्नोस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी मतलब हिस्टेक्ट यूट्रस प्लस फैलोपियन ट्यूब. ग्राफी इज द इज्वेलाइजेशन. सो हिस्ट्रोसेल्पिनोग्राफी की वजह से सारी ऑल दी प्रॉब्लम वी कैन डायग्नोस एक्सेप्ट. कौन सी चीज नहीं डायग्नोस कर सकते वो बताना है. ऑप्शन ए एंडोमेट्रियल पॉलिप, बी सब म्यूकोस फाइब्रॉइड, सी सब सीरस फाइब्रॉइड एंड डी यूट्राइन सेप्टम. सो राइट इज सी सब सीरस फाइब्रॉइड. राइट ऑप्शन इज सब सीरस फाइब्रॉइड. सब सीरस फाइब्रॉइड को हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी के करने से डायग्नोस नहीं कर सकते एक्सेप्ट. इज द रेडियोग्राफी ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब आफ्टर इंजेक्टिंग ए कॉन्ट्रास्ट मीडियम. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. आर फर्स्ट इज इंट्राम्यूरल और उसको इंटरस्टीशियल भी बोलते हैं. 75% होती है. ग्रो विद इन द मायोमेट्रियल वॉल. नेक्स्ट सब म्यूकस. सब म्यूकस इज 15%. सब म्यूकस कहाँ पे ग्रो करती है? इट्स ग्रो टुवार्ड द यूट्राइन कैविटी. एंड थर्ड वन इज सब सीरस. इसको सब पेरिटोनियल भी बोलते हैं. दैट इंसिडेंस ओनली 10%. एंड दिस ग्रो आउटवर्ड टुवार्ड द पेरिनियम सरफेस. पेरिनल सरफेस के आउटर पार्ट पे ग्रो करती है. सो देर आर थ्री टाइप ऑफ फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल सब म्यूकस सब सीरप्स. सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा फाइब्रॉइड होती है दैट इज इंट्राम्यूरल. ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी फाइब्रॉइड सबसे ज़्यादा होती है. सो इंट्राम्यूरल मतलब ग्रो विद इन द मायोमेट्रियल वॉल. नेक्स्ट है फाइब्रॉइड यूट्रस इज मोर कॉमन इन. यूट्रस में फाइब्रॉइड कॉमनली किन लोगों में होते हैं मतलब किन वुमेन्स में होता है? ऑप्शन ए नलीपेरस वुमेन, बी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, वुमेन सी मल्टीपैरिटी एंड डी आफ्टर 35 ऑफ एज. राइट इज डी आफ्टर 35 ऑफ एज. 35 से अगर ज़्यादा एज हो गई है तो दैट इज़ दी रिस्क फैक्टर टू ग्रो फाइब्रॉइड यूट्रस. नेक्स्ट द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो ए लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर. लीप का फुल फॉर्म है ये लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस प्रोसीजर. इसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ए सर्वाइकल इनकम्पिटेंस इन सर्वाइकल स्टीनोसिस, बी कॉन्स्टिपेशन, सी हर्निया एंड डी एब्सिस. सो राइट ऑप्शन इज ए सर्वाइकल इनकम्पिटेंस एंड सर्वाइकल स्टीनोसिस कैन हैपन आफ्टर लीप प्रोसीजर. नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ पेल्विस इज गुड फॉर चाइल्ड बीरिंग.
चाइल्ड बियरिंग पर्पज़ के लिए कौन सा पेल्विस इज सूटेबल? ए एंड्रॉयड, बी गायनकॉइड, सी एंथ्रोपॉइड एंड डी प्लेटिप्लॉइड। सो राइट आंसर इज गायनकॉइड। गायनकॉइड को चाइल्ड बियरिंग पेल्विस भी बोलते हैं एंड दिस इज मोस्ट सूटेबल फॉर द चाइल्ड बियरिंग। फीमेल पेल्विस होता है गायनकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस? सेम क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर है गायनेकॉइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस? नोट का आप यहाँ पे आ गया है, तो कौन सा पेल्विस नॉट डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस? ए एंड्रॉयड, बी गायनकॉइड, सी ऑब्स्टेट्रॉयड, डी एंथ्रोपॉइड। सो राइट आंसर इज सी, ऑब्स्ट्रॉयड इज नॉट अ टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। हम पेल्विस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ पेल्विक इनलेट, फीमेल पेल्विस इज डिवाइड इंटू फोर टाइप्स। फर्स्ट इज गायनोकॉइड। गायनोकॉइड 50% होता है, फीमेल टाइप बोलते हैं इसको। ये इसका इनलेट राउंड होता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड 25%, दिस इज एप टाइप, ओवल शेप्ड इसका इनलेट होता है। एंटीरियो पोस्टीरियरली ओवल, इट फेवर्स ओसीपिटो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजिशन। एंड्रॉयड पेल्विस मस्कुलाइन पेल्विस बोलते हैं इसको। मेल टाइप होता है, ये मेल्स में होता है ज़्यादातर ये वाला एंड्रॉयड पेल्विस। हार्ट शेप ट्राइंगुलर इनलेट होता है इसका। एंड प्लेटिप्लॉयड ओनली 5%, दिस इज फ्लैट टाइप, किडनी शेप्ड ट्रांसवर्सली ओवल इनलेट होता है इसका। एंड इट फेवर्स ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। सो देर आर फोर टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस जो मोस्ट कॉमनली होता है, दैट इज गायनेकॉइड एंड दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द चाइल्ड बियरिंग पर्पज। ऑब्स्ट्रॉयड किसी तरीके टाइप का पेल्विस नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग पेल्विस इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए गायनेकॉइड फीमेल, बी एंड्रॉयड मेल, सी एंथ्रोपॉइड एप एंड डी प्लेटिप्लॉइड फ्लैट। सो राइट ऑप्शन इज सी, अभी अभी पढ़ा हमने एंथ्रोपॉइड एप टाइप इज नॉट करेक्ट। गायनेकॉइड फीमेल टाइप में होता है, एंड्रॉयड मेल होता है, प्लेटिप्लॉइड फ्लैट होता है एंड एंथ्रोपॉइड एप टाइप नहीं होता है। दिस नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ट शेप पेल्विस? हार्ट शेप पेल्विस कौन सा होता है? ए एंथ्रोपॉइड, बी प्लेटिप्लॉइड, सी एंड्रॉइड एंड डी गायनेकॉइड। सो राइट ऑप्शन इज टू, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इज हार्ट शेप पेल्विस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पेल्विस हैज ए किडनी शेप ब्रिम विद द रिड्यूस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड इंक्रीज ट्रांसवर्स डायमीटर? तो किडनी शेप वाला कौन सा था पेल्विस जिसमें ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज था और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम होता है उसमें और ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है, किडनी शेप होता है, तो कौन सा पेल्विस है वो? ए गायनेकॉइड, बी एंड्रॉयड, सी एंथ्रोपॉइड एंड डी प्लेटिपॉइड। सो राइट ऑप्शन इज बी, प्लेटिप्लॉइड। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रिम? पेल्विक ब्रिम का लार्जेस्ट डायमीटर क्या होता है? ए ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट, बी ओब्लिक डायमीटर, सी एनाटोमिकल कॉन्जुगेट एंड डी ट्रांसवर्स डायमीटर। सो राइट आंसर इज सी, एनाटोमिकल कॉन्जुगेट। So now we'll read about the diameter of female pelvis. Female pelvis is the gynecoid pelvis. So gynecoid pelvis के diameters के बारे में हम पढ़ेंगे अभी।
देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायमीटर, इंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक. इंटीरियर पोस्टीरियर इनलेट में होता है कैविटी एंड आउटलेट. इनलेट में होता है 11, कैविटी में 12 एंड आउटलेट में 13. 11, 12, 13. देन ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में इनलेट का 13, कैविटी में 12 एंड आउटलेट में 11. ऑब्लिक अगर देखें तो इनलेट 12 होता है, सेंटीमीटर्स में है ये सब, एंड कैविटी में भी 12 होता है. ऑब्लिक में आउटलेट का डायमीटर नहीं होता. सो सबसे ज़्यादा आउटलेट में इंटीरियर पोस्टीरियर होता है 13, और ट्रांसवर्स में इनलेट ब्रिम का होता है. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे. द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस सिम्फेसिस टू सैक्रल प्रमोन्ट्री इज कॉल्ड. डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्फेसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रमोन्ट्री के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं. ए डायगनल कॉन्जुगेट, बी ट्रांसवर्स डायमीटर, सी ऑब्लिक डायमीटर, एंड डी इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर. सो राइट इज ए डायगनल कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको. डायगनल कॉन्जुगेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रमोन्ट्री. देर आर थ्री एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस. इनलेट दैट इज एनाटोमिकल ट्रू कॉन्जुगेट बोलते हैं. इनलेट का जो डायमीटर होता है उसको ट्रू कॉन्जुगेट, जो कितना होता था 11 सेंटीमीटर. ऑब्स्ट्रेट कॉन्जुगेट 10 सेंटीमीटर एंड डायगनल कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर. डायगनल कॉन्जुगेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑन द सैक्रल प्रमोन्ट्री टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस. And it is the only diameter which can measured by per vaginal examination. सिर्फ diagonal conjugate को ही measure कर सकते हैं through vaginal examination. So this is the image. Symphysis pubis to the sacral pulmonary. True conjugate, obstruct conjugate and diagonal conjugate. दिस इज द फीटल स्कल. इसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा अलग से, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो अब हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं इसका. द एरिया लाइंग इन फ्रंट ऑफ एंटीरियर फंटनली कॉरस्पॉन्डिंग टू द एरिया ऑफ ब्रो इज कॉल्ड. इन फ्रंट ऑफ एंटीरियर फंटनली से लेके टू एरिया ऑफ ब्रो का जो बीच का एरिया है उसको क्या बोलेंगे. ए वर्टेक्स, बी सिंसिपुट, सी ऑक्सीपुट एंड डी मेंटम. सो राइट आंसर इज सिंसिपुट.